अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं? आपका क्या हाल है? इंशाल्लाह मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाने सिखाऊंगी। आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल मटन और पालक बनाना सिखाऊंगी। मटन पालक, पालक को मैंने हल्का सा बॉईल करके थोड़ा सा नरम करके रख दिया, और इसको पीसने की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कुकर में मैं पकाऊंगी तो ये गोश्त के साथ ही बहुत अच्छा पिस जाएगा। और ये हैं सबसे पहले हम प्याज, टमाटर, दो टमाटर, ये मिर्चें जो हरी मिर्च है एंड में डालूंगी, और ये लहसुन अदरक है, 3 इंच का टुकड़ा अदरक था और लहसुन का एक पूरा पूरी गठी जो होती है, और ये एंड में सब्ज़ मिर्च और धनिया डालूंगी। और प्याज हमने लिया है एक बड़ा, और ये मसाले हैं नमक, नमक, मिर्च, और 3 ही मसाले डालेंगे इसमें, हल्दी, सुर्ख मिर्च और धनिया पाउडर। तो ये हैं 2 चम्मच मिर्च डलेगी, 2 टीस्पून, और 1 टीस्पून डलेगी धनिया, और 1/2 टीस्पून डलेगा हल्दी, और गरम मसाला हम एंड में डालेंगे, ठीक। और ये है ऑयल, और देसी घी भी मेरे हाथ का पड़ा हुआ है, ये भी डालेंगे और पकाएंगे हम कुकर में। इंशाल्लाह बहुत प्यारा और मज़े का खाना होगा, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ठीक है, हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे ऑयल, ऑयल हमें इतना बस 1 कप, 1 कप से भी कम, ये देख लें, ठीक। अब इसमें हम डालेंगे प्याज जी, प्याज डालेंगे, इसे हम ब्राउन करेंगे। और उसके बाद हम बताते हैं। अभी इस पॉइंट पे मैं अदरक लहसुन डालूंगी, ठीक है, थोड़ा सा इसको करके थोड़ा ब्राउन करके इसमें मैंने गोश्त डाल दिया, ताकि गोश्त इसी में ना भुन जाए, और उसकी जो स्मेल तो नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको पहले भी बताया कि मेरा बेटा मुझे एक बकरा भेज देता है, मेरा मेजर बेटा है, वो मुझे ना हर 2 महीने बाद भेज देता है एक बकरा, तो वो ज़बह करके मेरा फ्रिज जो है ना, फ्रीज़र है, तो उसमें मैं सेव कर लेती हूँ। और इसको थोड़ा सा बॉयल करके, नमक सिरका लगा के बॉयल करके, और फिर अच्छी तरह धो के मैं डब्बों में डाल के, जितना जितना ज़रूरत हो, 2 किलो इस तरह मैं ना बना देती हूँ, रख देती हूँ, फिर वो मैं सेफ होता है, फिर जब जाऊँ तो मुझे दोबारा धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये तो साफ़ सुथरा धोया हुआ होता है। तो फिर कि अच्छी तरह बुनाई कर ली मैंने ऑयल में, ठीक है। अब इसमें डालूँगी टमाटर, अभी साथ में मैं डालूंगी मसाले। आप अपनी ज़रूरत जितनी आपको चाहिए उतनी मिर्च डालें, ठीक है। और थोड़ा सा ना पैन, ये पाउडर होता है, चिकन पाउडर डालना पड़ता है, ज़रा अच्छा टेस्ट आ जाएगा, और थोड़ी सी काली मिर्च डाल दें अगर आपको चाहिए तो। और इसी पॉइंट पे नमक भी शामिल करेंगे, और इसमें नमक भी डाल देते हैं, ठीक है। अब इसकी बुनाई करती हूँ कि ये टमाटर बिल्कुल गल जाए, और फिर इसमें मैंने पानी शामिल करना। अभी इसकी अच्छी बुनाई हो गई है, देखिए ऑयल भी निकल गया है, ऑयल बहुत कम डाला है,
और आखिर में ये होता है कि ये दोबारा ना ऑयल ऊपर आ जाता है, इसका गोश्त का अपना ऑयल। तो अभी हम ये पालक को भी डाल देते हैं, मलाई कर लेते हैं इसकी। उसके बाद हम इसमें पानी लगाते हैं। देखें अब ये ऑयल निकल गया है बहुत अच्छी तरह। ये देखें, ये अभी आपको नज़र आएगा ऑयल निकलते हुए। और अब इसमें हम पानी डालेंगे जिससे गोश्त गल जाए, और साथ ही ये भी बहुत अच्छी तरह ना, बहुत अच्छी तरह गोश्त भी गल जाएगा और जो ये है हमारा पालक वो भी इंशाल्लाह, और बहुत मतलब एक दूसरे में जज्ब हो जाएंगे और मतलब एक टेस्ट आएगा। अगर मैं ये अलग अलग करके बना लेती तो आप सोचें उनका जायका कुछ ऐसे होता है, पालक का अलग आ रहा है, गोश्त का अलग आ रहा है। तो अभी मैं इसे बंद कर रही हूँ, ठीक है, और फिर जब तैयार हो जाएगा तो मैं आपको बताती हूँ। जी अभी देखिए बिल्कुल तैयार हो गया है, भून गया है। अभी इस पॉइंट पे हम डालेंगे, इस पॉइंट पे हम डालेंगे सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें, और ये जो कड़ी मिर्चें दो ये भी डाल देते हैं, ठीक। इस एंड पे हमें इसमें डालना है गरम मसाला, थोड़ा सा। अगर मैं इसे डिश आउट करती हूँ थोड़ा सा इसको ना दम लगा दूँ, फिर उसके बाद मैं इसे डिश आउट करती हूँ। अभी मैं डिश आउट कर रही हूँ, देखिए इसकी इतनी खूबसूरत शक्ल है। ये है हमारा पालक और मटन, मैं आपको चिकन में भी बनाना सिखाऊंगी। तो चिकन वाला जो है वो मुनफरद तरीके से है, उसका भी मैं आपको बताऊंगी।